बंद गुरमीत राम रहीम से सोमवार को उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उनसे मिलने गई थी। 2017 में गुरमीत राम रहीम पर दोष सिद्ध होने के बाद से दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी। जेल के अफसरों के मुताबिक दोनों के बीच जेल में 40 मिनट तक बातचीत हुई। उस दौरान उनका एक वकील भी मौजूद था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, कानून के हिसाब से बंदी से कोई भी मुलाकात कर सकता है। खबरों की माने तो उच्च सुरक्षा वाले रोहतक जेल में राम रहीम के साथ हनीप्रीत की मुलाकात पर सिरसा के अधिकारियों ने चिंता जताई है। हालांकि सरकार के उच्च स्तर के अफसरों के मुताबिक इस तरह की मीटिंग के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। 25 अगस्त 2017 को जब मामले में फैसला सुनाया गया था, तब हनीप्रीत राम रहीम के साथ डेरा मुख्यालय से पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत में गई थी। डेरा प्रमुख की सजा के बाद वे उनके साथ सुनारिया जेल भी हेलीकॉप्टर से गई थी। डेरा सच्चा सौदा मुखिया के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद पंचकुला, सिरसा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की भी देखी गई थी। आपको बता दें, हनीप्रीत पर हिंसा भड़कने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, लेकिन वो फरार हो गई थी। उस पर पंचकुला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पुलिस की हिरासत से राम रहीम को छुड़वाने की कोशिश के दौरान डेरा अनुयाय को कथित तौर पर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। अब उसके बाद अब हनीप्रीत अपने मुंह बोले पिता से मिलने गई थी। पुलिस ने अदालत से राम रहीम के भागने की साजिश रचने के लिए हनीप्रीत पे भी केस दर्ज किया था और वो भी रिहा हो गई। और उसके बाद वो अपने मुंह बोले पिता से मिलने जेल में गई थी और काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी उनकी हुई थी, लेकिन सामने अभी तक ये नहीं आ पाया कि आखिरकार ये बात क्या थी। SPN9 न्यूज़ से नाज़मीन की रिपोर्ट।